राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के लिए प्रबुद्ध जन मंच ने किया सम्मान समारोह आयोजित। जनपद मुजफ्फरनगर में आज नव निर्वाचित विधायक व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के लिए प्रबुद्ध जन मंच ने सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में जनमंच के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल को फूलमालाएं, पगड़ी व शाल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनमंच के संरक्षक एससी कुलश्रेष्ठ पंकज जैन, मनोज बाटला, सुरेंद्र अग्रवाल, निशंक जैन, विपुल भट्टागर, विनय सिंगल, पवन कुमार, गोयल, खुशपुरी आदि लोग उपस्थित रहे। और साथ ही साथ प्रिंसिपल शशि शर्मा, संजय अग्रवाल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने जमकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल की जमकर प्रशंसा की। पवन अग्रवाल जी, मंत्री आज किस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया? यहाँ मुजफ्फरनगर में मनोज बाटला जी के आवास पर हम लोग यहाँ हैं। प्रबुद्ध जनमंच इसके संयोजक निशान जैन है, उनकी पूरी टीम ने मिलकर के अभिनंदन समारोह था। अपर की अभिनंदन इनके द्वारा नहीं, मेरे द्वारा अभिनंदन है अपने शुभचिंतकों का, अपने मतदाताओं का, हमारी बहनों का, हमारे सब वोटर्स का, जिन्होंने इतना शानदार आशीर्वाद देकर के मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम किया, हमको आशीर्वाद दिया, जिनके कारण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमको मंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया। मैं सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आज हिंदू नववर्ष है, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं सबको देने का आज ये सुंदर अवसर है। सबको बधाई और जनमंच का बहुत बहुत आभार। मंत्री, एक आशा फिर दोबारा से जनपदवासियों को आपसे हो गई है क्योंकि आप मंत्री बने हैं दोबारा से उसी विभाग के और तीसरी बार विधायक भी बने, तो कैसे उन आशाओं पर आप खरा उतरने की कोशिश करें? मैंने कहा है सबसे कि जो जो मन में विचार किसी का आता है उनको बताइए, उसको मिलकर करें। सबकी जिम्मेदारी है कि अपने नगर को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को हम प्रगति के रथ पर लेकर के जाएं और जैसा जिसका सुझाव होगा व्हाट्सएप पे, मेल पे, व्यक्तिगत मिल करके, या मैं जाऊंगा उनके पास जैसे आ जाए हूँ। बहुत सब लोग यहाँ पर, शहर के सब प्रमुख लोग यहाँ हैं। तुलसी जी हैं जो इतना बड़ा कॉलेज चलाते हैं, प्रेरणा मित्तल जी हैं, अजय हैं, सी हैं, रीना जी हैं, डॉक्टर पंकज जी हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। और सबसे मैंने कहा है कि आप बताइए और जो जो हम कर सकते हैं उसको जल्दी से करने का हम काम करें जी। निशंक जी, आज किस तरह का कार्यक्रम प्रबुद्ध मंच से किया गया? आज प्रबुद्ध जनमंच का स्थापना दिवस भी है। नव हिंदू नववर्ष से हमारे नए सत्र की शुरुआत होती है। यहाँ पर सभी सदस्य हमारे उपस्थित हुए और सभी ने कपिल देव जी की जीत पर उनको शुभकामनाएं दी, उनको बधाई दी, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। शहर के सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में कहा कि ये केवल कपिल देव जी की जीत नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि ये हम सब लोगों की जीत है। मुजफ्फरनगर के लोगों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया और आज कपिल देव जी दूसरी बार में मंत्री बने, हम सबके लिए गौरव का और सम्मान। निशंक जी, बार बार आप उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की मांग कपिल देव के लिए उठा रहे हैं, क्या लगता है? मैं मांग की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि कपिल देव जी का लगातार जिस प्रकार से एक ग्राफ होता है, उन्होंने निरंतर ऊपर की तरफ हो जा रहे हैं। आप देखें, हमारे लिए ये तकलीफ की बात है कि पूरे 6 विधानसभा में हम सिर्फ 2 जीत पाए, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कपिल देव जी पिछली बार से दुगने वोट से, और जिस प्रकार से बहुत बड़े बड़े नाम मंत्रिमंडल से अपनी बार हटाए गए, कपिल देव जी को पुनः वही सम्मान और वही पद दोबारा से मिला, तो इसमें हमें कोई संदेह ऐसा नहीं लगता जिस प्रकार से आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी सोच है। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल ये सम्मान।